हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा ही कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन अर्थात BA, BSc, BCom में नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने की नोटिफिकेशन 5 तारीख से ही दे रहा है, मगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज अभी थोड़ी देर पहले जारी की है और मेरिट लिस्ट पाटलिपुत्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको मेरिट लिस्ट और एडमिशन लेटर मोबाइल में डाउनलोड करके दिखलाएंगे और उसी तरह से आप लोग अपना मेरिट लिस्ट और एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे बजाना ना भूलें ताकि आप तक एजुकेशनल संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल में अपना एडमिशन लेटर और फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें। तो चलिए अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर इस तरह से गूगल क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में रहेंगे, इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेंगे दोस्तों। यहां पर पेज खुलने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो चलिए टाइप करते हैं PATLIPUTRA यूनिवर्सिटी। जैसे ही टाइप करेंगे दोस्तों आपको पहले से ही आ जाएगा। तो चलिए उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से पेज खुलेंगे और दोस्तों अगर इस तरह से पेज खुलेंगे तो आप यहां पर जाके दोस्तों 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप मोड को हटा लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अगर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डेस्कटॉप साइट आएगा, यहाँ पर टिक लगा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करके इसको हटा देंगे तो अच्छे ढंग से खुल जाएगा मोबाइल में। तो चलिए इसको हटाते हैं। देख रहे हैं इस तरह से क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से पेज खुलेंगे। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट में क्लिक हट गया है। इस तरह से रहने पर आपको अच्छी तरह से सभी कुछ दिखाई देगा। तो चलिए हम हटा दिए डेस्कटॉप साइट को। अब आते हैं, अब इस पेज पे जो सबसे फर्स्ट में विंडो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना लिखा हुआ उस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपको पेज खुलेंगे। पेज को स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद एक एडमिशन पोर्टल होगा जो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में है, हरा कलर में है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर से दिखाते हैं दोस्तों, हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ जो ग्रीन कलर में है एडमिशन पोर्टल उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके आपको आगे बढ़ता है। चलिए क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से पेज खुलेगा। अच्छे ढंग से देख रहे दोस्तों, क्योंकि आपको अपने से खुद से मोबाइल में अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो चलिए इसके बाद दोस्तों ध्यान देंगे कहाँ से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ के बाद आपको आवेदक लॉगिन अर्थात एप्लीकेंट लॉगिन, एक नीचे कॉलेज लॉगिन है, एक एप्लीकेंट लॉगिन है, आपको आवेदक लॉगिन में क्लिक करना है। ध्यान देंगे आवेदक लॉगिन में। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेज खुलेंगे दोस्तों। यहां पर आपको यूजर आईडी डालना है। आपका जो यूजर आईडी होगा, जिस वक्त आप फॉर्म फिलअप किए थे उस समय आपके मोबाइल पर एक मैसेज गया होगा यूजर आईडी एवं पासवर्ड। तो ऊपर में यूजर आईडी एवं नीचे में ध्यान देंगे यहाँ पर आपको जो पासवर्ड गया था वो पासवर्ड 5 नंबर का पासवर्ड आपके मोबाइल पर गया होगा SMS के थ्रू, उसको टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको कैप्चा जो ऊपर शो हो रहा है फिगर में, जो नंबर रहे अच्छा रहे उसी को टाइप कर लॉग इन करना है। तो चलिए हम किसी स्टूडेंट का टाइप करते हैं, आप अपना खुद का टाइप करेंगे। तो सबसे पहले यूजर आईडी टाइप करेंगे। तो यूजर आईडी में क्लिक करके यूजर आईडी जो होगा उसे टाइप करेंगे दोस्तों। आप अपना यूजर आईडी टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद फिर पासवर्ड टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करने के बाद कैप्चा टाइप करेंगे दोस्तों। टाइप करने के बाद हम टाइप कर दिए यूजर आईडी, उसके बाद दोस्तों पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करते ही आपको कैप्चा टाइप करना होगा। चलिए अब कैप्चा जो देख सकते हैं कैप्चा क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इससे रिफ्रेश कर सकते हैं।
तो चलिए हमें दिखाई दे रहा है, हम कैप्चा को टाइप करते हैं, कैपिटल एम है, जो दिखाई दे उसी को टाइप करेंगे। चलिए आप अपना सभी डाटा टाइप करेंगे, चलिए सब डाटा डाल दिए दोस्तों। उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है, तो चलिए लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आ गया आपका पूरा, इसमें पूरा चीज दिया हुआ है, तो देख सकते हैं टोटल चीज है। यहाँ पर ही मेरिट लिस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं मेरिट लिस्ट यहाँ पर है। आवेदन पर जो एप्लीकेशन आपका वो यहाँ है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय आप फॉर्म भरवाए थे उस समय प्रिंट निकला था, अगर किसी कारणवश आप प्रिंट नहीं निकलवाए थे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बताते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर से दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन देख सकते हैं, मेरिट स्टेटस है और रैंक स्टेटस है। तो चलिए क्लिक करते हैं सबसे पहले मेरिट स्टेटस पे। तो यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, मेरिट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेंगे दोस्तों, जो आप कॉलेज चुने थे वो यहां पर शो करेगा। उसके बाद जिस कॉलेज में आपका नामांकन के लिए चयनित हुआ है उसमें आपको यहां पर सिलेक्टेड रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं इसमें अपने डिस्प्ले पर अच्छी तरह से देख रहे दोस्तों कि किस तरह से आपका रहेगा। देख सकते हैं इस बच्चे का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बीडी कॉलेज पटना में हुआ है, यहां पर ध्यान से देखेंगे सिलेक्टेड है, आपका इसी तरह से सिलेक्टेड रहेगा जिस कॉलेज में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा प्रोसेड फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए यहाँ ही क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिस कॉलेज में आपका चयनित हुआ उसका पूरा डाटा आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपका उसमें एडमिशन के लिए आगे प्रोसेस बढ़ेगा। देख सकते हैं बीडी कॉलेज में आपका नामांकन के लिए चयनित हुआ है, तो बीडी कॉलेज का टोटल डिटेल आपके सामने है। उसी तरह से आपका जिस कॉलेज में नामांकन के लिए चयनित हुआ है उसका पूरा डिटेल, उसमें एडमिशन किस तरह से लेंगे पूरा डिटेल रहेगा। तो इस तरह से आप अपना मेरिट लिस्ट, अपना किस कॉलेज में नामांकन के लिए चयनित हुआ है उसे देख सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी है उसे बजाना न भूलें, ताकि आप तक लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।